गौ माता के वंशज को इस तरह के पागल कुत्तों ने हाल कर दिया है। और आसपास में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। घर घर के बगल में ही थोड़ा पेड़ है, जंगल टाइप का है छोटा सा, वहाँ पर एक बछड़े या बछड़ी जो भी है गाय का बच्चा, उसको कुत्तों ने, पागल कुत्तों ने मार दिया। तो हम और नीरज अभी चल चुके हैं देखने के लिए। अगर उस समय हम लोग देख लिए होते तो उसको जरूर रेस्क्यू करते, जरूर बचाते पागल कुत्तों से, घंटा वगैरह लेके आते। उठा उठा पटक देंगे हम लोग पर भी अटैक कर सकता है, हम लोग ठोकाया भी करते हम हैं। लोग ठोकाए कर सकते हैं। कुत्ता से हम लोग डरेंगे नहीं। गाय गौ माता का रक्षा करना हम हिंदुओं का कर्तव्य है। बहुत दुख हो रहा है कि हम नहीं देख पाए। कहीं भी होता हम घर से वगैरह लेके आ जाते, डंटा वगैरह लेके आ जाते तो नहीं खा पाता कुत्ता, लेकिन पता नहीं कहाँ है, मिल भी नहीं रहा। भैया बोले थे कि खेत में है, हम मिल भी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर बछड़ा का ये हाल हो गया। कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पागल कुत्ता का। देखिए अभी अभी छोटा सा बछड़ा व्हाइट कलर का था, 10 मिनट के अंदर हड्डी पसली भी नहीं बची है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दया आ रहा है गौ माता के वंशज को इस तरह के से पागल कुत्तों ने हाल कर दिया है। और आसपास कोई नहीं था, इधर पूरा खेत वेत है, इसलिए वो लोगों को मौका मिल गया। हालांकि उस समय अगर देख लेते तो जान से नहीं मारने देते, हालांकि घायल कर देता तो बच जाता, दवा हुआ इंजेक्शन वगैरह पड़ता। तो बहुत दुख हो रहा है, हमको दिखाने का मन भी नहीं कर रहा लेकिन दिखा रहे हैं। और गांव में पूरा अभी हम सबको जानकारी कर देते हैं कि अपने गाय बछड़ा को बचा के रखें। बोल दिए उधर, एक महिला जा रही थी, एक बच्चा जा रहा था, कि गांव में जानकारी दे दो किसका बछड़ा है, कम से कम उसको पता चल जाएगा। अब इसको ले जाने लायक तो है नहीं, क्या नहीं रहे? ले जाने लायक नहीं है घर अब, फिर भी उसको पता चल जाएगा कम से कम, नहीं तो बेचारा बहुत खोजेगा। बगल में मंदिर है, लोग का आना जाना लगा रहता है, फिर भी यहाँ पर इस तरह का घटना हो गई, काफ़ी दुख हो रहा है। सुबह सुबह तो बुरी घटना घट गई और हम लोग देखे थी गौ माता के साथ। पिछले वर्ष एक बछड़े को मैंने घर से बचाया था, वहाँ से, वहाँ मेरा घर है, वहाँ से जैसे हम सुने एक मोटा सा डंडा लेकर दौड़े और 3-4 कुत्ते थे, पानी हल्का हल्का पड़ रहा था, आज हम डरे नहीं। और कुत्तों ने हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास भी किया था लेकिन हम डरे नहीं थे। और अंत में कुत्ता लोग पीछे हटा और बछड़ा का हल्का सा गर्दन में एक बाइट ले लिया था कुत्तों ने, नोच लिया था पूरे तरीके से। वो अंकल जिनका था उनको ले गए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन दिए। हालांकि 3-4 महीने के बाद बछड़ा मर गया था लेकिन कुत्ते से मरने नहीं दिए थे उनको। गौ माता को रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हिंदू धर्म में गौ माता का विशेष स्थान है, हम उनका दूध भी पीते हैं और गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है, तो हम उनको कैसे आँख के सामने अटैक करने दें। और गाय बछड़ा यहाँ पर चर रहा है और इधर भी चर रही है गाय, लेकिन अभी कोई डर नहीं है। कहाँ से कुत्ते एकाएक आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। बरसात आ गई है, चल भागते हैं जल्दी। आ गया, भाग रहे हम लोग, भागो। बगल में फेकूचा का घर है, उनका घर चल जा रहे हैं। देखिए खांसी लबर प्रिंस जी आ रहे हैं, इनका खांसी पीछे पीछे आता है, गजब है। लेकिन क्या दोनों पेट है, का नाम है हीरा मोती, जहाँ जाएंगे पीछे पीछे जाएगा, यही खूबी है इनका। बचा के रखिएगा कुत्ता उत्ता से, वैसे ही छोड़ते नहीं हैं। आज का घटना आप लोग को पता है, जहाँ जाते हैं प्रिंस जी उसके पीछे जाता है, पता नहीं रहेगा फिर भी चल जाएगा, यही खूबी है। कितना किलो वजन होगा बताइए इसका? तीस के जी दोनों मिला के एक, क्या अभी पूरा मतलब मीट कितना हो? मीट वही 18-17। अच्छा, कितना दाम लीजिएगा? अभी बेचना नहीं है लेकिन मतलब अभी तो बेचना नहीं है, कोई बात नहीं।